नमस्ते दोस्तों, पहले मैंने एक वीडियो डाला था, CSC रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट का एक वीडियो डाला था मैंने। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई बटन पर भी मिल जाएगा। तो मेरे पास अभी तक कोई ईमेल नहीं आया। CSC एक्सेप्ट का जो ईमेल आया था 20 तारीख को, ये मेरा ईमेल आया था, लेकिन अभी कोई ईमेल नहीं आया। लेकिन मेरा जो CSC आईडी और DGmail आईडी क्रिएट हो गया, ठीक है। CSC आईडी और DGmail आईडी मिल गया। ये मेरा ईमेल आया था लगभग 53 डेज़ के बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद 53 डेज़ के बाद मेरा ईमेल आया था, वेलकम टू CSC फैमिली और कंग्रेचुलेशंस का एक ईमेल आया था। इसका मतलब मेरा जो CSC के लिए अप्लाई किया था वो मेरा एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट का ईमेल आया था 20 तारीख को, ठीक है, 20 अगस्त को मेरा ईमेल आया था, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई ईमेल नहीं आया, ठीक है। 20 अगस्त का ये मेरा डेट, 20 अगस्त का मेरे पास ईमेल आया था CSC एक्सेप्टेड का, लेकिन अभी तक कोई ईमेल नहीं आया। लेकिन मेरा जो CSC आईडी और DGmail आईडी वो क्रिएट हो गया, ठीक है, लेकिन जो आईडी और पासवर्ड अभी तक नहीं मिला। ये मेरा जो CSC रेफरेंस नंबर डाल के मैंने चेक किया 30 तारीख को, ठीक है, 20 तारीख को मेरा जो एक्सेप्ट हो गया, लेकिन 30 तारीख को मैंने चेक किया तो मेरा जो रेफरेंस नंबर डाल के चेक किया तो CSC आईडी और DGmail आईडी मेरे को मिल गया। तो लेकिन अभी तक मेरा जो पासवर्ड अभी तक नहीं मिला, ठीक है। तो लेकिन 2-3 दिन के बाद जो मेरा पासवर्ड वो DGmail आईडी मिल जाएगा। ये मेरा रेफरेंस नंबर डाल के आप लोगों को दिखाऊंगा मैं, ये मेरा रेफरेंस नंबर, ठीक है। स्टेटस चेक पर जाना, स्टेटस पर जाके इधर रेफरेंस नंबर डाल के लोग को कैप्चा फिल करना पड़ेगा। कैप्चा फिल करते ही सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपका जो स्टेटस इधर शो होगा, ठीक है। तो मैंने जो मेरा जो रेफरेंस नंबर डाल दिया, ठीक है, कैप्चा भी डाल फिल कर दिया। ये मेरा रेफरेंस नंबर और ये मेरा CSC अकाउंट, ठीक है। अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, इधर आपको नेम शो होगा, ठीक है। अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, आपका जो CSC आईडी और पासवर्ड, इधर मेरा CSC आईडी, ये मेरा CSC आईडी और ये मेरा, उसके बाद जो ये मेरा DGmail आईडी, CSC आईडी और DGmail आईडी मिल गया, ठीक है। मेरा अकाउंट हो गया, लेकिन अभी तक CSC का पासवर्ड और DGmail का पासवर्ड अभी तक नहीं मिला, लेकिन पासवर्ड मिल जाएगा, वो ईमेल पर आएगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा 20 तारीख को एक्सेप्ट हुआ और CSC अकाउंट क्रिएट हुआ मेरे को 30 तारीख को, ठीक है। लगभग 10 दिन के बाद मेरा जो CSC अकाउंट वो क्रिएट हो गया। तो आपका भी ऐसे कुछ होगा तो आपका भी एक्सेप्ट हो जाएगा, पहले एक्सेप्ट होगा उसके बाद आपका CSC अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर रखना, ठीक है। आने वाला अपडेट आपके लिए हेल्पफुल होगा।